आज फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर आपके लिए। एक नई वीडियो बना रहे हैं प्री बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ स्टूडेंट्स का हमारे मैसेज आया था कि प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो तैयार कर दीजिए जिसमें प्री बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जी हाँ, बच्चों का एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का, तो उसके रिगार्डिंग आए हैं। उससे पहले एक और अनाउंसमेंट आज करना चाहते हैं। प्लस टू अकाउंटेंसी, प्लस टू इकोनॉमिक्स और प्लस टू बिजनेस स्टडीज, इन सबके कंटिन्यू बैच हम करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें सभी के सभी बच्चे इसको ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा। और इसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस रिव्यू करेंगे, रिवीजन करेंगे और फर्स्ट टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक खत्म करेंगे। अब हमारे पास रिसोर्सेज आ चुके हैं, पहले हमारी कुछ दिक्कतें थी लेकिन अब हम पूरी की पूरी सिलेबस को कॉन्टिन्यूटी में पूरा कर देंगे। चलिए आज की वीडियो पर ध्यान देते हैं। बिजनेस स्टडीज के ऊपर काम करते हुए हम सबसे पहले प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो उन्हें हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन से। चैप्टर नंबर वन आप सभी जानते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं। देखिए, पढ़ना तो सभी चाहिए। 12 चैप्टर्स हैं, पार्ट ए में 8 चैप्टर हैं, पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं, सारे के सारे 12 के 12, 8 और 4 12 के 12 चैप्टर पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों मैं बात करूं कि पार्ट ए में से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है और पार्ट बी में से हो सकता है क्या, तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारे अल्टरनेटिव एनालिसिस के बेसिस पे, बहुत सारे प्री बोर्ड्स और बोर्ड एग्जाम्स को देखते हुए हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम को यही कंसिस्ट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे कुछ पूछा जा सकता है तो वह मैनेजमेंट के फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट के फीचर पर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीन तरीके के लेवल हैं आप सभी जानते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैनेजमेंट पर पूछा जा सकता है तो वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर दोस्तों पूछा जाएगा। नेचर में अगर हम बात करें, आप जानते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, तीनों में से किसी एक पर भी पूछा जा सकता है और इंडिविजुअली अलग अलग भी पूछा जा सकता है। आर्ट मैनेजमेंट पूरी तरह से है आप जानते हैं, साइंस पूरी तरह से नहीं है, सोशल साइंस है क्योंकि वो एक इंडिविजुअल्स पर, इंप्लाइज पर लगती है। और उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूं प्रोफेशन, तो आने वाले समय में प्रोफेशन बन जाएगा लेकिन अब तक नहीं बना। पहला क्वेश्चन मैंने बताया फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताया आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा मैंने क्वेश्चन बताया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये तीन क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर वन से रहेगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और फंक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंटली इन तीनों में से एक क्वेश्चन मेजॉरिटी बेसिस पे आता है और चौथे में से, चौथा क्वेश्चन यानी कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर से आप चार क्वेश्चन करके जा सकते हैं। चैप्टर नंबर टू की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर टू आप सभी जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर चैप्टर है। इस चैप्टर में है क्या क्या, तीन चीजें इस चैप्टर में है। सबसे पहले तो आपको बताया गया है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के फीचर और फंक्शन क्या है। उसके बाद हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद FW टेलर, फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने आपको टेक्निक्स दी हैं, 7-4 प्रिंसिपल दिए हैं उनमें से, और ये तीन क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों देखो, बिल्कुल ही सिंपल सी बात करूंगा, दो चीजें आएंगी, सिर्फ दो, या तो कोई भी दो प्रिंसिपल आ जाएं आपके पास कि आप इन 14 प्रिंसिपल्स में से, या किसी भी तरीके से टेलर के 4 प्रिंसिपल में से आप दो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, आएगा केस स्टडी बेस आएगा, ये क्वाइट ऑब्वियस है, पूरा एग्जाम ही केस स्टडी बेस होगा। सिर्फ हम आपको गाइड कर सकते हैं कि इन मेजर टॉपिक्स के ऊपर केस स्टडी ज्यादा आती है, या इसको कह सकते हैं कि 70-90% यही एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंटली आपको इस चीज को देखना होगा कि फ्योल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल, ये सभी प्रिंसिपल्स और टेलर की टेक्निक्स, इनमें से दो पे क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर मैं कोई स्पेसिफिक नहीं कह सकता किस दो के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मेजोरिटी ऑफ टाइम दैट विल बी इन द एग्जाम और होगा जरूर, ये भी श्योर है। तो इस चैप्टर में आपको मैं कोई राय नहीं देता कि आप कुछ भी छोड़िए, टेलर के सभी प्रिंसिपल पढ़िए, फ्योल के सभी प्रिंसिपल पढ़िए, टेलर की सभी टेक्निक्स पढ़िए, दो आपको 6 नंबर के लिए एग्जाम में मिलेंगे। और जो एक एक नंबर के आपके सीरीजवार क्वेश्चन होंगे, जिसको 1 मार्क क्वेश्चन कहा जाता है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगले पे चलता हूं दोस्तों, चैप्टर नंबर 3,
बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत सिंपल सा चैप्टर है, दो चीजें बताऊंगा सिर्फ, वही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फ्लेक्सिबिलिटी में, अपॉर्चुनिटी में, किसी भी प्रकार से टैपिंग ऑफ द रिसोर्सेज, ये सभी एडवांटेज आपको याद करनी होगी। इसको हम फिर से दोबारा अपनी सीरीज में एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, नंबर दो क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, पांच तरीके के डायमेंशन है, आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये पांच के पांच डायमेंशंस करें। इस चैप्टर से दो क्वेश्चंस को ध्यान में रखें मेजॉरिटी में, बाकी पूरा चैप्टर कर सकते हैं तो करें, लेकिन दो क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें। अगला चैप्टर दोस्तों, चैप्टर नंबर फोर, प्लानिंग। आप सभी जानते हैं प्लानिंग बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें क्या आता है, मैक्सिमम टाइम क्या आता है, इसमें दो क्वेश्चन आपको करने होंगे। सबसे पहला फंक्शन ऑफ प्लानिंग, या जिसे कह सकते हैं कि प्लानिंग का किसी भी प्रकार से क्या प्रोसेस है, फंक्शन ना बोल के उसे प्रोसेस बोला जाता है मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में, बिल्कुल सही है, प्रोसेस ही एग्जैक्ट वर्ड है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या प्लानिंग प्रोसेस क्या है, नंबर दो क्वेश्चन आप में इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग जरूर कीजिएगा दोस्तों, और प्रोसेस, दो क्वेश्चन प्लानिंग से मैंने आपको बताया। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग से बहुत कुछ हिस्सा कटवाया गया था दोस्तों, लेकिन एग्जामिनेशन में देखा जा रहा है, प्री बोर्ड्स में भी देखा जा रहा है, और जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर अपलोड किए हैं कि जो डिलीटेड पोर्शन था उसमें से भी कुछ ना कुछ आ रहा है। इसमें से आप तीन चीजों को सबसे मेजर देखिएगा, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ हिस्सा कटवाया लेकिन मैं वो भी इसमें ऐड कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद फंक्शनल और डिविजनल, दोस्तों फंक्शनल और डिविजनल का डिफरेंस आपको करना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस करनी है आपको, डिसेंट्रलाइजेशन की आप छोड़ सकते हैं, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस करनी है, तीन करने हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचता हूं दोस्तों, प्लानिंग हो गया हमारा, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, अब आया है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में क्या करोगे दोस्तों, दो चीजें, सबसे पहले रिक्रूटमेंट, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में किस तरीके के टाइप्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस करना है, रिक्रूटमेंट करना है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप होती है, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब में क्लासिफिकेशन आगे दी गई है, तीन क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको करने होंगे। उसके बाद चैप्टर पूरा पढ़े, नहीं भी पढ़ पा रहे तो ये तीन क्वेश्चन जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद दोस्तों मैं अगले चैप्टर पर पहुंचता हूं, नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत ही वाइड चैप्टर है, बहुत ही जिसे बोल सकते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा है। इसमें से आपको क्या करना चाहिए, देखिए सुपरविजन को आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, टाइप ऑफ लीडरशिप आपको करने ही होंगे। पहला क्वेश्चन टाइप ऑफ लीडरशिप का, नंबर दो क्वेश्चन मोटिवेशन में मैस्लो की थ्योरी, अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी दी है, पांच नीड्स है, आपको वो करनी ही पड़ेगी, दो क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तीसरा और चौथा, कोई भी क्वेश्चन अगर मैं बताना चाहूं यहां पर ऐड हो सकता है, लेकिन आप इस चैप्टर में से अगर दो क्वेश्चन भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बैरियर्स वाला क्वेश्चन आता था, आता रहा है, लेकिन सिलेबस कट ऑफ होने की वजह से उसको निगलेक्ट किया जा सकता है, तो दो क्वेश्चन यहां से सबसे इंपॉर्टेंट करें, टाइप ऑफ लीडरशिप, दूसरा अब्राहम मैस्लो की थ्योरी मोटिवेशन से। ठीक है जी, अगला चैप्टर पहुंचता हूं दोस्तों, चैप्टर नंबर एट कंट्रोलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज चैप्टर, इसमें दो ही चीजें करनी है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग भी इसको बोल सकते हैं, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, कंट्रोलिंग किस तरीके से करनी चाहिए उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरा सिर्फ इस वीडियो से फोकस है कि जो हमारे स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नीड है वो उनकी पूरी हो जाए, तो ये पार्ट वन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों पार्ट टू की बात करूंगा, पार्ट टू में आप जानते हैं चार चैप्टर हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले अगर दोस्तों मैं बात करता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रह सकती है क्या नहीं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इसमें दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग, तीन तरीके के फैक्टर अफेक्टिंग है, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग जिसे बोल सकते हैं हम किसी भी प्रकार से वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल या कैपिटल बजटिंग भी इसको कंप्लीट आउट बोला जा सकता है, और फाइनेंसिंग डिसीजन, ये तीनों को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको कौन से करने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन से रह सकते हैं दोस्तों उसके ऊपर मैं बात करूं तो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों आप करें तो ज्यादा बेटर होगा, सारा करें तो बहुत ही बेटर होगा। उसके बाद दोस्तों अगर इसी चैप्टर में दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें एक न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन पहुंचता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से स्ट्रक्चर को सेटअप किया जाए लीवरेज को मानते हुए, तो उस क्वेश्चन को आप निगलेक्ट भी कर दें मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ सकता है तो मतलब
उसको कुछ नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि एग्जाम को बिल्कुल इग्नोर लेंथ में रखा जा सकता है, जो हम कह रहे हैं वैसा ही होगा। मोस्ट प्रॉब्ली फैक्टर अफेक्टिंग वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगले चैप्टर पर पहुंचता हूं, फाइनेंशियल मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट सबसे पहला क्वेश्चन सेबी के फंक्शन। सेबी के फंक्शन आप कीजिए, वो तो श्योर है, डैम श्योर टाइप क्वेश्चन है कि वो आएगा ही आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अगर आप करें तो उसमें स्टॉक मार्केट के फंक्शन, स्टॉक मार्केट में या उसे बोल सकते हैं सेकेंडरी मार्केट, उसके फंक्शन आप जरूर करें। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन एक ही चीज है वो सब, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं इसी चैप्टर से, तो कैसे कि प्राइमरी मार्केट में पैसा इकट्ठा किया जाता है, व्हाट आर द वेरियस वे टू कलेक्ट द फंड्स फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। ये चार क्वेश्चन है दोस्तों, चार के चार आपको करने हैं, चार में से दो मिलेंगे, एक तो सेबी का पक्का मिलेगा, तीन क्वेश्चन जो बचे हैं उनमें से एक मिलेगा, श्योर है, ग्रांटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका ये मतलब नहीं कि आप चैप्टर छोड़ें, जिसके पास टाइम कम है तो वो इस तरीके से तैयारी कर सकता है। उसके बाद दोस्तों मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें आपको फंक्शन करने हैं, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद आप जानते हैं चार मिक्स है उसमें, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कह सकते हैं प्राइस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोला जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप करेंगे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फंक्शन 12 के 12। उसके बाद फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग, पांच तरीके की फिलॉसफीज आप जानते हैं, प्रोडक्ट की फिलॉसफी है हमारे पास, सोशलिस्टिक है, मार्केटिंग है, सेलिंग है या किसी भी तरीके से प्रोडक्शन, ये पांच फिलॉसफीज हैं, ये करेंगे आप। उसके बाद दोस्तों ब्रांडिंग लेबलिंग में से एक टॉपिक में क्वेश्चन बन सकता है, बाकी आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत मेजोरिटी में फोकस करें फिलॉसफीज पे, फंक्शन पे और प्राइस मिक्स पे और प्रोडक्ट मिक्स, ये चारों चीजों पे फोकस कर ले। उसके बाद अगर लास्ट चैप्टर में बात करूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दो क्वेश्चन ही आपको रिकमेंड किए जाएंगे। सबसे पहले जो भी किसी भी प्रकार के कंज्यूमर राइट हैं 6 के 6 तो उनके कवर किया जाए, 5+1 6 हो चुके हैं तो उनको कवर किया जाए। दूसरा रिड्रेसल मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या केसेस चलते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट कंज्यूमर कोर्ट और उसके बाद नेशनल फॉर्म, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर फोकस करें। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 12 के 12 चैप्टर से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गाइड करने की कोशिश की है। आप ये सभी से के सभी क्वेश्चन करें और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो पूरे चैप्टर को भी पढ़ें। उसके साथ एक और चीज दोस्तों ऐड करना चाहूंगा कि सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अपने एग्जाम को एनालाइज करेंगे, कोई भी एग्जाम हो, आपका प्री बोर्ड हो या आपके बोर्ड हो या आपके सैंपल्स हो, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन सेटअप किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी दोस्तों, आएंगी केस स्टडीज, मेजोरिटी ऑफ केस स्टडीज को आप जज सभी कर पाएंगे अगर आप इन क्वेश्चनों को समझें, फिर अच्छे तरीके से उसको याद करें। और दोस्तों अगर हमारे इसी तरीके की आप वीडियोस के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें WhatsApp के साथ हमें ज्वाइन करें, और यही PDF आपको WhatsApp ग्रुप पर भी मिल जाएगी। हमारे YouTube चैनल से आप 7837724186 नंबर पर WhatsApp से जुड़ें और इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी ले लें। और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज दोस्तों आने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक स्टार्ट कर खत्म करेंगे, रिवाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने के अंदर पूरा का पूरा आपके सामने पूरा का पूरा नटशेल तैयार कर देंगे, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें और एग्जाम से पहले आपकी अच्छी तैयारी हो। थैंक यू दोस्तों।